नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और बुलंदशहर हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है, राहत बचाव में तेजी के आदेश दिए हैं। सिलेंडर ब्लास्ट से मकान की छत गिर गई थी और इस मकान की छत के मलबे के नीचे से 6 लोगों के शव निकाले गए। कई लोग अब भी नीचे फंसे हो सकते हैं, ये आशंका जताई जा रही है। एसपी सिटी, एसडीसीओ और दमकल विभाग अभी भी रेस्क्यू में जुटा हुआ है। जेसीबी की मदद से लिंटर हटाने की कोशिश चल रही है। अभी भी किसी के अंदर होने की आशंका जताई जा रही है। गुलावटी रोड स्थित आशापुरी कॉलोनी में यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बुलंदशहर में जहां हादसा हुआ। दरअसल यहां एक सिलेंडर में विस्फोट हुआ जिसके बाद मकान की छत गिर गई। कई लोग इसके नीचे दब गए। अब तक 6 शव निकाले गए हैं। बताया जा रहा है कि कई और लोग फंसे हो सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन मौके पर चल रहा है, पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े लोग भी यहां पर मौजूद है। एसडीएम, सीओ और एसपी सिटी मौके पर मौजूद है। दमकल विभाग की टीम भी मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। भीड़ भी बीच बीच में बढ़ जा रही है, जिन्हें हटाया जा रहा है और उसके बाद लोगों को निकालने की कोशिश चल रही है। प्रशांत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। प्रशांत, सीएम ने भी संज्ञान लिया, इस हादसे का निर्देश दिए है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई कोताही ना बरती जाए। अब भी क्या अपडेट है वहां का, कुछ और लोगों को निकाला गया है क्या? बिल्कुल, देखिए लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। साथ ही जो अब तक मरने वालों की संख्या है वो अब तक 6 हो गई है, जबकि पहले 5 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अब मृतकों की संख्या 6 हो गई है। साथ ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है और जेसीबी की मदद से ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। साथ ही डीएम, एसएसपी सहित तमाम पुलिस व प्रशासनिक आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। और साथ जी प्रशांत, कितने फ्लोर का ये मकान था जो ढह गया है? क्या आसपास के मकान भी ढहे हैं? जो लोग स्थानीय हैं उनका क्या कहना है, कितने लोग नीचे हो सकते हैं? देखिए, इस परिवार में लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग रह रहे थे और जिसमें अभी तक लगभग 10 से 12 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और इसमें अभी 4 से 5 लोगों की और फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही जो घायल है उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का उपचार चल रहा है। इसके अलावा जो है डीएम, एसएसपी सहित तमाम पुलिस व प्रशासनिक आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। मुख्यमंत्री ने खुद इस घटना का संज्ञान लेते हुए हादसे पर दुख जताया है, वहीं मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और साथ ही जो घायल है उन्हें ठीक से उपचार मुहैया कराने की बात कही है। जो घायल है उन्हें कहां भर्ती कराया गया है, उनकी स्थिति के बारे में डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो डॉक्टरों का कहना है, उनका कहना है कि अभी कुछ लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है तो वहीं 3 लोगों की अभी खतरे से बाहर बताया गया है और सभी का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं सीएमओ खुद मौके पर मौजूद है और पल पल की अपडेट ले रहे हैं। आधा दर्जन की माने तो वो क्या कह रहे हैं, इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में और कितना वक्त लग सकता है? रात का वक्त है और ऐसे हादसों में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। जितनी जल्दी रेस्क्यू कर लिया जाए, मलबे से लोगों को निकाल लिया जाए, जिंदगी बचाने की गुंजाइश उतनी ज्यादा होती है। कितना और वक्त लग सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन में? देखिए, लगभग आधा से 1 घंटे के अंदर इस रेस्क्यू को समाप्त कर दिया जाएगा। वहीं आप इन तस्वीरों में भीड़ देख सकती हैं, हजारों की संख्या में यह मौके पर भीड़ मौजूद है और यहाँ जो लोग हैं, स्थानीय लोग भी पुलिस व प्रशासन के साथ रेस्क्यू कार्य में जुटे हुए हैं और वो खुद भी यहाँ रेस्क्यू कार्य करा रहे हैं। जेसीबी की मदद से यहाँ प्रशासन रेस्क्यू कर रहा है और जो एनडीआरएफ की टीम है, यहाँ एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। एसडीआरएफ की टीम है, फायर ब्रिगेड की टीम है, दमकल विभाग के अलावा नगर पालिका के कर्मचारी। ठीक है प्रशांत, आप नजर बनाए रखिए स्थिति पर। तो हमारे सहयोगी प्रशांत बता रहे हैं कि 1.5 से 2 घंटे का वक्त और लग सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन को संपन्न होने में। कोशिश यही है कि अगर नीचे कोई फंसा है और तो उसे भी जल्द से जल्द निकाल लिया जाए। नोएडा के सेक्टर 68 स्थित निजी कंपनी में करंट की चपेट में आकर एक ड्राइवर की मौत हो गई। ड्राइवर की मौत के बाद उसके साथियों ने कंपनी के गेट पर हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने करंट लगने के बाद समय पर अस्पताल न पहुंचाने का गंभीर आरोप कंपनी पर लगाया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मौत के कारणों की जांच में जुटी है। खबर प्रयागराज से, जहां सुभाष चौराहे के पास जीएसटी दफ्तर में आग लग गई। आग लगने के बाद आसपास के पूरे
इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल की कई टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खबर संत कबीर नगर जिले से। जैन मंदिर में अष्टधातु की मूर्ति चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से मूर्ति बरामद कर ली गई है। कई और दूसरे सामान भी बरामद किए गए हैं जो इन्होंने चोरी कर इकट्ठा किए थे। घटनाक्रम इसका जांच किया गया, साथ ही साथ जो इसमें अभियुक्त था अभियुक्त को पकड़ा गया। अभियुक्त के पास और इसके जो सहयोगी थे उनके पास से जो अष्टधातु की मूर्ति थी वो बरामद की गई है। लगभग 1,03,000 रुपये में वो पूरा इन्होंने बेचा था जो सिंहासन था, और आपस में ही पैसे बांटे थे। उसमें से 14,000 रुपये भी बरामद हुए हैं। उसके अलावा कुछ सामान, एक अदद लुटिया और एक सफ़ेद धातु का चम्मच भी बरामद हुआ है। आजमगढ़ जिले के अहिरौला थाने के पुलिस ने 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों ने 17 अक्टूबर को 4 पुलिसकर्मियों को पिकअप से कुचलकर जान लेने का प्रयास किया था। इस मामले में 2 नामजद और 8 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। अब घटना में फरार दूसरे आरोपियों को भी पुलिस जल्द पकड़ने की बात कह रही है। 4 पुलिसकर्मियों को कुछ पशु तस्करों द्वारा पिकअप वाहन चढ़ाकर घायल कर दिया गया था और उनके ऊपर फायरिंग की गई थी। इस घटना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें कल दिनांक 20 अक्टूबर 2024 को 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से अवैध असला भी बरामद किया गया है। इनसे पूछताछ में और अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर और भी कई व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए हैं। उनकी भी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। जो भी तथ्य इसमें प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर में ई रिक्शा पर बैठी महिला के साथ ई रिक्शा चालक छेड़छाड़ करने लगा। महिला के विरोध करने पर विवाद होने लगा। विवाद के बीच मौके पर खड़े एक शख्स ने ई रिक्शा चालक को पकड़ा और उसकी पिटाई शुरू कर दी। शख्स ने पहले तो चालक की काफी देर तक पिटाई की है चप्पलों से। जब ई रिक्शा चालक जमीन पर गिर गया तो उसकी लात घूंसों से पिटाई की और फिर पास मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला लहरपुर कोतवाली इलाके के रूमी गेट का है। बुलंदशहर के खुर्जानगर फायर स्टेशन पर तैनात पुलिसकर्मी संजीव खोखर का एक अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पुलिसकर्मी संजीव खोखर एक महिला मित्र के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। वायरल वीडियो किसी होटल का बताया जा रहा है। गाजीपुर में 2.43 करोड़ की हेरोइन बरामद की गई। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। एएनटीएफ की टीम ने सैदपुर थाना क्षेत्र के शरीफ पुल से तस्कर को गिरफ्तार किया। इसके पास से 1.25 किलो हेरोइन बरामद की गई। पकड़ा गया तस्कर गाजीपुर के नोनहरा क्षेत्र का रहने वाला है और पूर्वांचल के कई जिलों में यह हेरोइन सप्लाई किया करता था। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक ईशा गोयल ने आरोप लगाया कि उनके लॉकर से 50 लाख रुपए का सोना और चांदी गायब है। ईशा गोयल को बैंक से फोन आया, इसके बाद हुई जानकारी जाकर उन्होंने देखा तो लॉकर टूटा हुआ था। शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू की। सीसीटीवी के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। भैया पूरा लॉकर खाली पड़ा है, पूरा लॉकर खाली पड़ा है। अच्छा, कितने कीमत का सामान इसके अंदर था? 40 तोले के करीब सोना था और 50-60 तोले के करीब चांदी थी। तो ये जब आप आए तो क्या कमी नजर आई, क्या दिक्कत आई इसमें? ये लॉकर का गेट टेढ़ा हुआ पड़ा था जी। बहराइच में अतिक्रमणकारियों पर संभावित बुलडोजर एक्शन के खिलाफ एक और याचिका, एक तरफ कोर्ट ने रोक लगा रखी है तो दूसरी तरफ इस पर सियासत शुरू हो गई है। बहराइच के बहाने सियासत चमकाने की कोशिश हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर जहां एक ओर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 15 दिन के लिए रोक लगा दी है, वहीं दूसरी ओर इस पर सियासत भी जारी है।
दरअसल पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से जिन 23 लोगों के घरों व दुकानों पर नोटिस चिपकाया गया था उनको जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया है। ऐसे में अब 23 अक्टूबर की सुनवाई के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहराइच हिंसा मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के वकील कलीम हाशमी ने बताया कि पीडब्ल्यूडी ने 23 लोगों के मकान तोड़ने का नोटिस दिया था, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर तत्काल सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने नोटिस पाने वाले सभी 23 लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया है। इधर बहराइच में अभी भी हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। महाराजगंज बाजार में अभी भी दुकानें बंद हैं। लोग डर की वजह से दुकानें नहीं खोल रहे हैं। अभी भी पुलिस बल तैनात है। जनपद बहराइच में 13 अक्टूबर को हिंसा हुई थी। मूर्ति विसर्जन के दौरान दो संप्रदायों में बवाल हुआ था। गोलीकांड में एक युवक की मौत हुई थी। हम इस वक्त उसी बाजार में मौजूद हैं और हिंसा के 7 दिन बाद अब बाजार की स्थितियां देख सकते हैं। यहां पे दुकानें बंद हैं, हालांकि आवागमन शुरू कर दिया गया है। पुलिस बल अभी भी तैनात है। हिंसा के तुरंत बाद इस बाजार को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अभी भी दुकान नहीं खोल रहे हैं। लोग घर में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये फायर सर्विस की गाड़ी भी तैनात है। अभी बता दूं, यहाँ पे कई जिले के जो एडिशनल एसपी हैं, सीओ हैं और फोर्स है, वो भी तैनात है। बहराइच में अवैध कब्जे के खिलाफ संभावित बुलडोजर एक्शन पर जहाँ एक और रोक लगी है, वहीं इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि कानून में इसका कोई जिक्र नहीं है और आरोपी को सजा देने का अधिकार सिर्फ कोर्ट का है। कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया और बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अवधेश प्रसाद से लेकर अखिलेश यादव तक वोट बैंक के लालच में अंधे हो गए हैं, अब कानून की भी निंदा कर रहे हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि बुलडोजर कानून, जहां कानून का राज हो और संविधान का राज हो, वहां पर कितना बड़ा से बड़ा कोई आरोपी हो, उसमें आईपीसी में, सीआरपीसी में, एविडेंस एक्ट में कहीं पर कोई प्रोविजन नहीं है बुलडोजर चलाने का, बर्बाद करने का। जो भी अधिकार है वो माननीय न्यायालय को है। धारा में बुलडोजर चलाने का जिक्र नहीं है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे एक अंतरिम रोक लगा रखा है। बावजूद उसके अगर योगी सरकार नोटिस लगा रही है तो इससे स्पष्ट यही होता है कि योगी सरकार कानून का सम्मान नहीं करती है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि इस तरह की खबरें नोटिस लगाने की अखबारों में छपता है। अगर उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका इलाहाबाद हाईकोर्ट वास्तव में विजिलेंट होता तो वो खुद अपने तरफ से नोटिस भेजना पड़ता, पीड़ितों को सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट नहीं जाना पड़ता। अवधेश प्रसाद से लेकर अखिलेश यादव तक वोट बैंक की लालच में अंधे हो गए हैं, अब कानून और संविधान की भी गलत व्याख्या कर रहे हैं। तमाम विभागों, तमाम प्राधिकरणों को ये अधिकार है कि कोई अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, तो विहित प्रक्रिया का पालन करके उस अवैध निर्माण को हटाने का अधिकार उनके पास है। अवधेश प्रसाद जी लोकसभा में हैं, सांसद हैं, कई बार विधायक रहे, मिनिस्टर रहे, कम से कम उनसे इस प्रकार की गैर कानूनी बयान की अपेक्षा नहीं है। वहीं बहराइच में संभावित बुलडोजर एक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है। बहराइच हिंसा के 3 आरोपियों की तरफ से याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई की अपील की गई। याचिका में कहा गया कि बुलडोजर एक्शन पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार किया जा रहा है, सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई से पहले नोटिस जारी किया गया है। लोगों को अपने पक्ष में बात रखने का ठीक से मौका तक नहीं दिया गया। प्रशासन ने 18 नवंबर को बहराइच के महसी इलाके में आने वाले 23 मकानों पर नोटिस चिपका दिया था। जवाब देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मशहूर शायर पुतन खां फहमी बदायूनी को आज बदायूं के बिसौली कस्बे के कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। उनके इंतकाल पर साहित्यकारों ने दुख व्यक्त किया।
फहमी बदायूनी 72 साल के थे। पिछले एक महीने से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। रविवार शाम को उनका निधन हो गया था। आज ईदगाह रोड पर नमाज जनाजा अदा कराई गई। ईदगाह रोड के पास कब्रिस्तान में दोपहर तकरीबन 2 बजे उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। तमाम शायर और कवि उनके जनाजे में शामिल हुए। बेटे जावेद ने पिता की कब्र को मिट्टी दी। 4 जनवरी 1952 को बिसौली कस्बे के मोहल्ला पठान टोला में जन्म हुआ था पुतन खां फहमी साहब का। पढ़ाई करने के बाद लेखपाल की नौकरी की उन्होंने, लेकिन नौकरी में उनका दिल नहीं लगा, जिसके बाद 80 के दशक में शायरी में कदम रखा और एक के बाद एक कई शायरी की रचना उन्होंने की। इधर आगरा में इन दिनों ताजमहल परिसर में फिल्म द ताज स्टोरी की शूटिंग चल रही है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल गाइड की भूमिका में है। इस फिल्म की शूटिंग पिछले 3 दिनों से आगरा के अलग अलग स्थानों पर हो रही है और आज की प्रमुख शूटिंग ताजमहल परिसर के अंदर थी। फिल्म की कहानी का एक अहम हिस्सा ताजमहल से जुड़ा है, जिसमें परेश रावल द्वारा निभाया गया किरदार सैलानियों को इस विश्व प्रसिद्ध स्मारक की जानकारी देता है। ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट की टेस्टिंग की पहली प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच रनवे पर विमान का ट्रायल होगा। एक महीने तक लगातार ट्रायल के बाद डीजीसीए को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाएगा। लाइसेंस मिलने पर मार्च या फिर अप्रैल 2025 यानी कि अगले साल के मार्च या अप्रैल में एयरपोर्ट का संचालन शुरू हो सकता है। ये उम्मीद जताई जा रही है अंतर्राष्ट्रीय घरेलू और कार्गो विमानों के मार्च अप्रैल 2025 से उड़ान भरने की उम्मीद है। देखिए, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर है, उसके लिए हम लोगों ने 1 अक्टूबर को यहाँ पर मीटिंग की थी और फ्लाइट शेड्यूलिंग उसको बोलते हैं, जो कि एक मैंडेटरी प्रोविजन होता है किसी भी एयरपोर्ट के शुरू होने से पहले। तो एडा के ऑफिस में उसकी मीटिंग हुई थी, उसमें AI के लोग, DGCA के लोग, यापल के लोग और सारे विभागों के लोग वहाँ मौजूद थे और यह तय पाया गया कि फ्लाइट शेड्यूल अभी कर दिया जाए, कब क्या काम होगा। उसके अनुसार जो कैलिब्रेशन था वो लगातार 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक कैलिब्रेशन की फ्लाइट्स थी, वो फ्लाइट सभी आ गई, कैलिब्रेशन हो गया। अमेठी में करवा चौथ के दिन एक महिला ने अपने 4 प्रेमियों के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, शातिर महिला ने पुलिस में तहरीर दी कि पति की अचानक मौत हो गई है, उसने किसी तरह की दवा खा ली थी जिसकी वजह से जान चली गई। जांच की मांग इस महिला ने की पुलिस से। पुलिस ने जब मामले की पड़ताल शुरू की तो सच सामने आ गया। गौरीगंज इलाके का मामला है, जहां एक महिला, 4 लोगों से अवैध संबंध थे उसके, जिसे लेकर पति से आए दिन उसकी लड़ाई होती थी और बीते दिनों भी इसी बात को लेकर बहस हुई थी। महिला ने अपने 4 प्रेमियों के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी। जब गांव वालों ने पति की मौत के बारे में जानकारी जाननी चाही तो महिला ने कहा कि तबीयत खराब है, जिसकी वजह से मौत हुई है। पुलिस ने महिला और उसके 4 प्रेमियों को गिरफ्तार कर लिया है। कौशाम्बी में करवा चौथ के दिन एक महिला पर अपने पति को जहर खिलाकर मारने का आरोप है। पति को गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन वहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि पति ने मरने से पहले एक वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें उसने बताया कि किस तरह से महिला और उसके बीच कहासुनी हुआ करती थी। महिला ने मैक्रोनी बनाकर दी थी, जिसे खाने के बाद वो तड़पने लगा था। महिला उसे ऐसी स्थिति में घर में छोड़कर फरार हो गई थी। मैं घूमनी में मिला कर हमको जहर खिला के हमारी घरवाली भाग गई। हमारी घरवाली ने खाने में देखे फरार हो गई। देखिए, थाना कड़ाधाम क्षेत्र अंतर्गत ग्राम इस्माइलपुर में एक युवक के जहर खाने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों के द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें बहू के ऊपर आरोप लगाया गया है। उस प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कड़ाधाम में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना में जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसे आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अम्बेडकर नगर में एक कॉलेज के MD से 70 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के एक मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी नितिन वर्मा ने ही अपने मोबाइल से MD से माफिया दिलीप वर्मा की बात करवाई थी। ये था कि कोतवाली अकबरपुर में मुकदमा अपराध संख्या 626/24 पंजीकृत किया गया था, जिसमें 70 लाख रुपए की फिरौती
मांगे जाने का उल्लेख था। उससे संबंधित एक नामजद अभियुक्त नितिन वर्मा पुत्र सदानंद वर्मा निवासी रसूलपुर उसरे थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर को अकबरपुर कोतवाली पुलिस के द्वारा आज गिरफ्तार किया गया। 2025 के महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारियों में शासन प्रशासन जुट गया है। सुरक्षित महाकुंभ कराने की जिम्मेदारी यूपी पुलिस के कंधों पर है और इसके लिए कई जिलों से 30,000 पुलिस फोर्स की डिमांड की गई। इसके अलावा पीएसी और पैरामिलिट्री को मिलाकर लगभग 50,000 पुलिस कर्मचारियों की तैनाती महाकुंभ के दौरान होगी। मेले की पुलिसिंग थाने और चौकियों से अलग होगी और इसलिए महाकुंभ में आने वाले पुलिस कर्मचारियों को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इस बार महाकुंभ का क्षेत्रफल बढ़ चुका है 4,000 है। महाकुंभ मेले में 56 थाने 155 चौकियां और 56 फायर स्टेशन बनाए जाएंगे। 1900 हेक्टेयर में पार्किंग बनाई जा रही है। ट्रैफिक को लेकर भी विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। यहां पर जो कुंभ मेला क्षेत्र में महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगभग 16,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को लगा करके सुव्यवस्थित रूप से ये पर्व कराया जाएगा। इसमें से 10% पुलिस फोर्स का आगमन अभी हो रहा है, जिनका प्रशिक्षण शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा इस संकल्प प्रशिक्षण हॉल में। इन सबको जो ड्यूटियाँ हैं 56 थाने बनेंगे, 155 चौकियाँ बनेंगी। विभिन्न सारे जो मार्ग हैं उनको चिन्हित कर लिए गए हैं, किधर से श्रद्धालु आएंगे, किधर जाएंगे। ड्रोन्स का भी उपयोग करेंगे उनके आने जाने के जो पैटर्न है उसको देखने के लिए। जल पुलिस सतत घाटों पर निगरानी करेगी। इन सब का उपयोग करते हुए हम एक सुगम और सुरक्षित कुंभ कराएंगे। इधर रामनगरी में दीपोत्सव की तैयारी तेज हो गई है। रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद इस बार भव्य तरीके से दीपोत्सव की तैयारी है। इस बार राम भक्तों के लिए अनूठा प्रयास अयोध्या विकास प्राधिकरण की ओर से भी किया जा रहा है। दीपोत्सव के दौरान अगर श्रद्धालु अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं तो घर बैठे भी आप दीपोत्सव के दौरान अपने नाम का दीपक जला सकते हैं। एक दिया प्रभु श्री राम के नाम, अयोध्या विकास प्राधिकरण की यह अनूठी पहल है, जिसका फायदा आप भी ऑनलाइन ऐप के जरिए उठा सकते हैं। 1100 और 2100 रुपये दो अलग अलग कैटेगरी है। 1100 रुपये के भुगतान के साथ आपके नाम के 11 दीपक जलाए जाएंगे, जबकि 2100 के भुगतान के बाद श्रद्धालु के नाम से 21 दीपक राम भक्त घर बैठे ही जलवा सकें। इसमें हमारे एडी द्वारा एक प्रस्ताव किया गया कि जो लोग दीपोत्सव में शामिल नहीं पाते हैं उनके नाम पे यहाँ दिए जलाने को, तो एक दिया सिर्फ भगवान श्री प्रभु के नाम के तहत ये आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारा जो दिव्य अयोध्या ऐप है, इसके जिसके माध्यम से लोग ऑनलाइन बुकिंग करेंगे, इसमें दो पैकेजेस हैं, 1100 रुपये का और 2100 रुपये का। बदले में उनको वहाँ यहाँ से उनका जो दिया है वो यहाँ पर जलाया जाएगा, जिसके डिजिटल फोटोग्राफ्स भेजे जाएंगे और साथ ही साथ बदले में क्या कहते हैं उनको यहाँ का प्रसाद दिया जाएगा। निश्चित रूप से बहुत सुंदर पहल है और क्योंकि अयोध्या उतनी विशालता को समेटे हुए है और सब लोग एक साथ आना चाहें ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि दीपावली का पावन उत्सव पावन पर्व है जो हमारे राम राजा के आगमन के उपलक्ष्य में शुरू हुआ। ये दीपोत्सव या दीपावली का जो पर्व मनाया जाता है, भगवान जब 14 वर्षों के बाद रावण का वध करने के उपरांत श्री अवध धाम में आए थे और अयोध्या के विशाल सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे, उसी समय ये दीपावली का पर्व अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम के आगमन के उल्लास में मनाया था, जिसकी परंपरा अनवरत आज तक चली आ रही है। एक दिया भगवान राम के नाम का, भगवान रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद 8वां दीपोत्सव बेहद भव्यता के साथ मनाया जा रहा है और घर बैठे राम भक्त इसमें शामिल हो सकें, इसको लेकर बाकायदा अयोध्या विकास प्राधिकरण एक अनूठा प्रयास कर रहा है। अयोध्या विकास प्राधिकरण की साइट divyayodhya.com पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बाकायदा 11 दीपक और 21 दीपक 8वें दीपोत्सव में राम भक्तों के नाम के जलाए जाएंगे और इसकी डिजिटल फोटो भी उनको उपलब्ध कराई जाएगी। इतना ही नहीं, इस दिव्य दीपोत्सव में जलाई गई राम भक्तों के नाम की फ़ोटो के साथ घर पर उनके प्रसाद भी भेजा जाएगा, जिसमें भगवान रामलला का भोग लगा हुआ प्रसाद, हनुमान जी का प्रसाद, माँ सरयू का पवित्र जल और भगवान रामलला के परिसर की पवित्र रज श्रद्धालुओं को श्रद्धा के साथ प्रसाद के तौर पर उनके घर भेजी जाएगी। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या।